और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है